काली पत्नी की ये कहानी दिल छू जाएगी। मेरा नाम अक्षत है, मैं पैसे से एक वकील हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में हमेशा की तरह बैठा था। एक पार्टी आई, हाथ में पेपर बैग, जोड़ीदार चेहरा, बढ़ती हुई दाढ़ी और गंदे कपड़े, और बोले, हम पूरी ज़मीन पर स्टे लगाना चाहते हैं। कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है और इसका कितना खर्च होगा? मैंने उन्हें बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गए और उनके सारे दस्तावेज चेक किए। उनसे जानकारी लेने के बाद आधा घंटा लग गया और मैंने उन्हें बताया, आइए आप के सामने मामले पर विचार करते हैं। आप ऐसा करें कि 4 दिन बाद वापस आए। 4 दिन बाद पार्टी फिर उसी अवतार में आई। भाई के प्रति गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बैठने को कहा और वह बैठ गए। फिर मैंने बात शुरू की, मैंने आपके दस्तावेज देखे, आप दोनों भाई और एक बहन, आपके माता पिता अपने बचपन में ही चले गए थे, आपकी शिक्षा 9वीं पास, छोटा भाई MA BEd, आपने अपने भाई की शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ दिए, खेती में लंगोटी पर काम किए, नितिन जीजा के कुएं पर पत्थर फोड़े, गणेश बाबू के गन्ने के खेत में मेहनत की, लेकिन भाई की शिक्षा के लिए पैसों की कमी आने नहीं दी। एक बार बहन खेत में गाय भैंस को चढ़ा रही थी, आपका भाई स्कूल से आ गया था, कैसे हुआ, भैंस के पीछे गया और उसे भैंस के सींग लग गए, संपूर्ण शरीर खून से लपतप हो गया था, आप उसे कंधे पर उठाकर नज़दीकी गांव में ले गए। वास्तव में उस समय आपकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, आपके भाई ने BEd में एडमिशन लिया। आपने फिर से ज़ोरदार श्रम करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे किडनी की समस्या होने लगी। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज किया, बाहर का भी किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। अफसर बनने के बाद बहुत घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तुम्हें हमसे ज़्यादा तकलीफ होगी, हम खेती में रहने वाले लोग, हमें एक किडनी होगी तो भी चलेगा। ऐसा कहकर अपने भाई को एक किडनी डोनेट कर दी। आपकी पत्नी के नहीं कहने के बावजूद आपने किसी का नहीं मानी। भाई MA की पढ़ाई के लिए हॉस्टल पर रहने गया। अगर कभी नॉनवेज बनता था तो आप डिब्बे में पैक करके अपने छोटे भाई के लिए ले जाते थे। कोई त्यौहार आया तो पूरियों का डिब्बा घर से लेकर आप हॉस्टल का अंतर 25 किलोमीटर पर उसे देने के लिए साइकिल से जाते थे। उसके बाद जब छोटे भाई की नौकरी लगी तो आपने गाँव में मिठाई बंटवाई। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, भाई को नौकरी मिल गई, भाई की शादी हो गई, अब तुम पत्नी बच्चों के साथ सुखी रहोगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। शादी के बाद भाई घर नहीं आता, बुलाते तो कहता, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है, घर पर पैसे देता नहीं, पूछने पर कहता कि कर्ज है, पिछले साल नागपुर में फ्लैट लिया, पूछा तो बोलता है कर्ज लेकर लिया है। सब कुछ कहने के बाद मैं थोड़ी देर रुका और फिर कहा, अब आपका कहना है कि उससे अपनी कमाई का लिया हुआ उस पर स्टे लगाना है? उसने जल्दी से कहा, हाँ बराबर। तभी मैंने कहा, स्टे लागू किया जा सकता है, भाई द्वारा खरीदी गई आय का हिस्सा भी आपको मिलेगा, पर आपके द्वारा दान की गई किडनी वापस नहीं की जाएगी। आपने उसके लिए जो जीवन बिताया वह आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि इस बातों के आगे उसने जो फ्लैट खरीदा है उसका मूल्य 0 है। वकील की यह सब बातें सुनकर उसका मन बदल गया। तभी वकील ने उसे कहा, आप उसके तरह मत बनो, वह भिखारी निकला और आप दिलदार थे और दिलदार ही रहिए, देखना आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, उल्टा मैं कहूँगा कि पीत आया में जो आपको हिस्सा मिला उतना ही रखो, उसका हिस्सा वैसे भी परे रहने दो, कोर्ट कचहरी करने के बजाय अपने बच्चों को शिक्षित करो। यह सब बातें सुनकर उस वृद्ध पार्टी ने 10 मिनट तक सोचा, सारे कागजात बैग में रख लिए, अपनी आंखें पोंछते हुए वह बोला, चलता हूँ साहब, इस बात को 5 साल हो गए, एक दिन
वह पार्टी अचानक ऑफिस में आ गई, साथ में ये गोरा चिट्ठा लड़का हाथ में बैग था। मैंने कहा उन्हें बैठने को, तभी वह बोला, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ साहब, मिठाई देने आया हूँ। यह मेरा बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, कल ही आया। अब गांव में 3 मंजिला घर है, 8-9 एकड़ जमीन ली। आप बोले थे ना कोर्ट कचहरी के लफड़े में मत पड़ो, इसलिए तभी से मैंने अपने बेटे की पढ़ाई का रास्ता पकड़ा और मेरा सब अच्छा होता चला गया। उस पार्टी की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, गुस्से को योग्य दिशा दी तो वापस गुस्से का वक्त कभी आएगा ही नहीं, और जीवन में पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया आप हमारी कहानी को किसी दूसरे व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।